वारसनी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत बुदबुदा के धानी टोला में 25 जनवरी की अल सुबह 409 मेटाडोर चालक के द्वारा ग्राम के 18 वर्षीय युवक पंकज पिता विजय फुलबांदे को ठोस मार दी गई, जिसमें युवक की मौत हो गई और उक्त मेटाडोर भी अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद से ग्रामीणों का आक्रोश सातवें आसमान पर देखा गया, जहां ग्रामीणों के द्वारा चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन करते हुए मार पर ब्रेकर लगाए जाने की मांग की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंकज पिता विजय फुलबांदे उम्र 18 वर्ष धानी टोला निवासी सुबह घर के लिए आवश्यक किराना सामग्री लेने के लिए ग्राम में रोड क्रॉस कर किराना दुकान सामग्री लेने के लिए गया हुआ था, जहां से वह सामग्री लेकर वापस हो रहा था, तभी कटंगी से वारासोनी की ओर आ रहे धान से भरे मेटाडोर क्रमांक CG04J3403 ने पंकज फुलबांदे को जबरदस्त टक्कर मार दी और उसके बाद मेटाडोर भी अनियंत्रित होकर थोड़ी दूर जाकर पलट गया, जिसके बाद आसपास के ग्रामीण दौड़े, परंतु तब तक मेटाडोर चालक फरार हो गया था। उन्होंने देखा कि रोड पर एक बालक पड़ा हुआ है, पास जाकर देखा तो वहां पंकज फुलबांदे था, जिसकी सूचना उनके द्वारा तत्काल ही पंकज के परिवार व संजीवनी 108 को दी गई, परंतु थोड़ी देर बाद वाहन आने पर उन्होंने तत्काल ही ग्राम के निजी वाहन से पंकज को उठाकर आधे रास्ते तक लाया गया, जहां पर 108 को रोककर उसके माध्यम से फिर सिविल अस्पताल ले जाकर भर्ती किया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया, जिसकी सूचना वारासोनी थाने में दी गई, जिस पर पुलिस के द्वारा आवश्यक कार्रवाई कर मामले में मरकज कायम कर जांच की जा रही है। उक्त हादसे के बाद समस्त ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया, जिसके द्वारा ग्रामीणों के द्वारा रोड पर उतरकर वारासोनी कटंगी मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया गया। इस दौरान दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें खड़ी हो गई। इसकी सूचना लगते ही वारासोनी पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाइश दे दी रही। इस दौरान ग्रामीण मार्ग पर ब्रेकर बनाए जाने को लेकर अड़े रहे, जिस पर थाना प्रभारी शंकर सिंह चौहान के द्वारा आश्वस्त किया गया, जिसके बाद ग्रामीणों के द्वारा चक्का जाम खत्म किया गया। आपके यहाँ पे चक्का जाम किया गया है, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि किराना दुकान में मतलब पंकज फुलबांदे नाम का लड़का किराना लेके घर जा रहा था, तो एक अनियंत्रित मेटाडोल उसको टक्कर मारती हुई पलट गई और उसका घटना स्थल पे डेथ हो गई। घटना स्थल से ला रहे थे तो देख रास्ते में। क्या मांगे हैं आपकी जो ये जो चक्का जाम किया गया है? तो उसमें ये है कि मतलब भाई हम आए दिन उस टर्निंग पॉइंट है जो मतलब घटना की आए दिन हम जागृत कराते हैं शासन प्रशासन से, जनप्रतिनिधि केवल आश्वासन और पुलिस भी आश्वासन देते ही रहती है, अधिकारी भी आश्वासन देते रहते हैं, किंतु आज दिनांक तक किसी तरह से वहां पे ना ब्रेकर के लिए हम लोग काफी दिनों से मतलब चर्चा है कि यहां पे ब्रेकर चाहिए। हम लोग मेरा घर बिल्कुल उसी चौक पे है, मैं जब कई बार ऐसे मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल टकराती तो मैं पानी लेकर के हमको जाना पड़ता है, आए दिन घटनाएं होती है, इसके पहले भी हुआ है घटना। वो स्पीड में था और लड़का इधर से जा रहा था, इतने में उसकी टक्कर हो गई और तुरंत 100 नंबर को डायल किया गया, वो भी विलंब का कारण बना उस समय पर, तो घटना स्थल पर एक गाड़ी ली गई और आधे रास्ते तक लाया गया, वहां तक के एम्बुलेंस खड़ी थी, उसको रोक करके बस टंगाया गया और बस कुछ देर चले तो उसकी मृत्यु रास्ते में हो गई।